नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक मल्टीपल वार्ड्स का केस शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेशेंट बहुत सारी जगहों पे मेडिसिन लेकर के हार चुका है, लेकिन इसको रिलीफ नहीं मिला। ये एक दोस्त के साथ मेरे क्लिनिक पर आया और उस दोस्त को मेडिसिन दिलवाने के लिए आया था। तो उसने सोचा जब दोस्त को दिखा रहे हैं तो हम भी दिखा लेते हैं अपने आप को। तो उसने दिखाया अपने आप को कि डॉक्टर साहब देखिए चेहरे पे कितने सारे वार्ट्स हो गए और बहुत दिनों से मैं इसका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ लेकिन इससे कोई रिलीफ नहीं हो रहा है। बोला मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इसको लेकर के और आप कुछ करिए। मैंने बोला ठीक है, ये सही हो जाएगा, आप इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और सही हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है। मैंने बोला तो मेडिसिन चालू कर दी है? बोला नहीं, अभी नहीं, अभी मैं एक जगह से मेडिसिन लेकर के आया हूँ, तो वहाँ की मेडिसिन जब फिनिश हो जाएगी उसके बाद हम मेडिसिन लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, जब वहाँ की मेडिसिन आपकी ख़त्म हो जाए फिर आप यहाँ से चालू कर दीजिएगा। तो उसने बोला ठीक है। तो पेशेंट की एज करीब 35 साल होगी, वो शादीशुदा है, उसके दो बच्चे हैं, उसकी एक मदर है, फादर उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो बाहर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो डेली जो है घर पे नहीं आ पाते हैं। तो ये उसका फैमिली स्टेटस हो गया। और पेशेंट जो है वो प्राइवेट जॉब करता है। तो ऐसा बोल के उसने फिर वो चला गया अपने दोस्त को मेडिसिन लेकर के। और दो महीने बाद करीब फिर से वो आया तो उसने बोला देखिए डॉक्टर साहब, बहुत परेशान हो गया हूँ इन वार्ड्स की वजह से और मुझे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दीजिए कि ये ख़त्म हो जाए, इसमें कितना भी पैसा लग जाए, पैसे की दिक्कत नहीं है, आप कितना भी पैसा आप इसको सही कर दीजिए, आप जितना बोलेंगे उतना पैसा मैं दूंगा आपको। मैंने बोला ठीक है। मैंने पूछा कब से प्रॉब्लम है आपको? तो उसने बोला 2 साल से। तो मैंने बोला 2 साल से? बोला हाँ। बोला डॉक्टर साहब 2 साल से मैं इसमें करीब 1.5 लाख रुपये ख़त्म कर चुका हूँ और मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने बोला अच्छा, 1.5 लाख रुपये खर्चा कर चुके हो? मैंने बोला ठीक है, आप परेशान ना हो, आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, मैं आपको मेडिसिन दे दूंगा और उससे आपको रिलीफ आ जाएगा। तो मैंने बोला कि आपको ये वार्ड्स चेहरे पे हैं, इनको लेकर के कैसा महसूस होता है, आपको क्या लगता है? तो पेशेंट थोड़ा सा मुस्कराया, बोला डॉक्टर साहब अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती है, बस ये वार्ड्स चले जाने चाहिए। बोला अच्छा। तो बोला मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप बोलेंगे उतना मैं दूंगा और आप इनको सही कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है, सही करता हूँ। ऑब्जर्वेशन से मेरे पेशेंट ऐसा दिख रहा था जैसे कि ब्लैकिश कलर का हो, उसकी आंखें प्रोट्रूडेड थी, निकली हुई थी दोनों तरफ की और देखने में बिल्कुल डेंजरस लुक उसका था कि अगर कोई देख ले तो डर जाए, डरावना चेहरा था उसका। तो IPR की जानकारी हमने ली कि IPR में उसके क्या क्या चल रहा है। तो पेशेंट हैव डेली हैबिट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड फैमिली में उसको पीने के बाद कोई भी अगर टोकता था कि यार ये गलत है, तुम ऐसा करके आते हो रोज़, फैमिली का खर्चा नहीं चलता है, ऐसा ऐसा, तो फिर उसकी सामत आ गई, फिर वो बहुत भयंकर उसको गुस्सा आता था। पीने के बाद अगर किसी ने टोक दिया तो बहुत भयंकर उसको गुस्सा आता था, फिर वो समझ लो एक तरीके से आग बबूला हो जाता था। तो पेशेंट का ये बोलना था, एक वर्जन ये भी था कि फादर तो मेरे बाहर रहते हैं बट सारी जिम्मेदारियां घर की मैं ही देखता हूँ, सारे घर के खर्चे वर्चे सब कुछ मैं ही देखता हूँ, जबकि एक तरफ उसका IPR बोल रहा है कि पीने के बाद बहुत झगड़ा करता है और वाइफ से झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, तो इस तरीके का उसका नेचर है। इस चीज़ों को सब आप लोग एनालाइज करिए और ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करिए। जब केस को हमने एनालाइज़ किया तो हमने देखा, सबसे पहला रूब्रिक जो लगाया कि पेशेंट जब पहली बार में आया तो वो पहली बार में मेडिसिन ले सकता था लेकिन उसने नहीं लिया मेडिसिन। उसने बोला जो मेडिसिन हमारी रखी हुई है उसको ही हम पहले खाएंगे, उसको खाने के बाद फिर हम दोबारा दवा मिलेंगे। तो पहला रूब्रिक मेरा था बार्गेनिंग। और दूसरी बात ये बोला कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ, हमने 1.5 लाख रुपये खर्चा कर दिया, ऐसा वैसा सब कुछ कर दिया। तो दूसरा रूब्रिक था टॉकिंग बिजनेस ऑफ। तीसरा ये था कि
जब हमने पूछा कि आपको वार्ड्स को लेकर के कितना डरावना चेहरा लग रहा है और आपको क्या इसको लेकर के लगता है, तो उसने बोला मुझे कुछ भी नहीं लगता है, थोड़ा मुस्कराया और बोला मुझे कुछ भी नहीं लगता। तो ये था उसका एम्बेरसमेंट, तो एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट। और अफेक्टेशन भी ले सकते हैं इसको, तो अफेक्टेशन अपने पास वो किस लिए आया था, क्योंकि बहुत सारी जगहों से वो भटक भुटक के आया था, 2 साल से उसको प्रॉब्लम थी, कहीं पर भी रिलीफ नहीं मिल रहा था और बढ़ती ही जा रही थी। तो मैं पिक्चर इसकी शेयर करूंगा जो आप देखेंगे कि कितना भयानक उसका चेहरा है, वार्ड्स ने पूरा कवर करके रखा हुआ है, बहुत बुरे हाल है उसके। तो एक तरफ ये इसको रूब्रिक को फिर हमने ऑब्जर्व किया कि एनालाइज किया कि इस रूब्रिक को क्या ले सकते हैं, तो वहाँ पर था किल डिज़ायर टू, बहुत सारी जगहों से परेशान हो गया है, अब इसको पूर्णतः ख़त्म करना है हमें, तो हमने इसको ले लिया किल डिज़ायर टू। और एक चीज़ इस केस में प्रोमिनेंट है जो कि वो पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब कितने भी पैसे लग जाएं बट आप इसको ख़त्म करो, इसको आप सही करो। तो ये क्या था उसका, ये उसकी वेल्थ थी, क्योंकि वो दिखा रहा है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, तो डिल्यूजन वेल्थ था। पीने के बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है, अगर कोई टोक देता है उसको बहुत गुस्सा आता है, उसकी सामत आ जाती है, तो एंगर कंट्राडिक्शन फॉर्म, और एक तरीके से हिपोक्रेसी उसकी समझ में आई यहाँ पर, कि बाहर वो कैसा बोल रहा है और अपने आप को कैसा प्रदर्शित कर रहा है कि हाँ मैं बहुत जिम्मेदारी वाला हूँ और घर का ख्याल रखता हूँ, ये करता हूँ, जबकि फैमिली में देखने पे ये पता चलता है IPR से कि वो बहुत गाली गलौज करता है, घर में रोज़ झगड़े करता है, तो इस वजह से उसकी हिपोक्रेसी भी यहाँ पर समझ में आई है। और जब भी पेशेंट जाता था अपने यहाँ से, 2-3 बार जब वो फॉलो अप में आया, उसके बाद जब भी वो जाने लगा तो ग्रीटिंग करके जाता था, डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। तो ये भी एक प्रोमिनेंट पॉइंट है मेडिसिन का। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए जब हमने रिपर्टरी चार्ट में देखा तो वहाँ पर सल्फर पहले नंबर पे आ रही थी, तो सल्फर 200 के 3 डोजेस दिए गए, उसके बाद 15 दिन के बाद फिर फॉलो अप किया गया, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन 1 महीने के बाद जब वो फॉलो अप में आया तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट था। तो ये सल्फर का केस था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ग्रेटिट्यूड टू HHF एंड HSF, सारे ग्रुप के मेंटोर्स का, चिंतो सर, हारून सर और डॉक्टर दिलीप सर, डॉक्टर नीलम मैम और HHF के बहुत सारे मेंटोर्स जैसे मयूरेश महाजन सर, डॉक्टर पल्लवी मैम, KY सर, कृष्ण कुमार डिंडे सर, 3 Nice Men, ये सारे लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है, तो इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं कुछ इसमें माइंड मेथड में सीख पाया हूँ। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।